और जो सहाबा अहले बैत दोनों को मानते हैं, तुम तो कटी पतंग हो। मौका आता है तो हजरत अबू बकर कहते हो, मौका चला जाता है तो अपने पर निकालते हो। लिहाजा आए दिन एक एक क्लिप आता है, एजेंसियां क्या कर रही हैं। इस्लाम को पहले भी सबसे बड़ा नुकसान सुन्नी शिया लड़ाई से हुआ है। इस पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उधर इसराइल का मसला, उधर कश्मीर का मसला हमारे सरों के ऊपर खड़ा है। हम इस मुल्क में इत्तेहाद के लिए हर किस्म की जो कुर्बानी देने तैयार हैं, लेकिन मुकद्दसात का एहतराम किया जाए। जब इदारों का एहतराम है, जब फौज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा जा सकता और नहीं कहना चाहिए, इदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा जा सकता और नहीं कहना चाहिए, अदालतों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा जा सकता और नहीं कहना चाहिए, ये मुकद्दस इदारे हैं जिस पर एतमाद और एक तराजू के मानिंद हैं, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो शिराजा मुंतशिर हो जाएगा। तो ये इदारे बहुत नीचे हैं। ये वतन तो बनाई सहाबा और अहले बैत के लिए था, अगर इस वतन में उनको गाली देने वाले लोग हो जाएं तो। लिहाजा कानून ये होता है कि जनाब अगर कुत्ता बावला हो जाए तो उस बावले कुत्ते को खत्म करके अगर लोगों को बचा लिया जाए तो फिर उस बावले कुत्ते को हटा दिया जाता है। इसलिए फोर्सेस होती हैं, इसलिए एफआईआर होती हैं, इसीलिए रेंजर्स और फौज होती है कि जो जरर देने वाले ब्लैक शिप और गोदड़ियों में जो खटमल और जो घुसे हुए उनको हटाकर अगर आप पूरी कौम को बचा लें, यही जिम्मेदारी इदारों की होती है। हम अहले सुन्नत व जमात जो पुरअमन है, जो फिरकावारियत पर एतमाद नहीं करते, उसका कभी साथ नहीं देते, कभी उस साजिश का शिकार नहीं होते, टारगेट किलिंग गैर कानूनी, किसी को कत्ल गारतगिरी करना, किसी से हमारा फिक्र या मसलक का इख्तलाफ है उसके कत्ल करने को हम सही नहीं समझते, ना कभी उसका फतवा देते हैं, ना हमारे बुजुर्गों ने कभी इसको रवा रखा जो उसमें शामिल रहा, ना कभी हम इशारतन भी उसके आला कार बने, हम इसको पसंद नहीं करते, इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और ये वतन इस्लाम के नाम पर लिया गया है। तो लिहाजा उस मलऊन जाकिर को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?